वो विधात्री है। राधा राशेश्वरी रम्या रामा च परमात्मना शीला सौम्या दिव्या मधुरा मंगला भव्या क्षम्या मौना गंभीरा। राधा जी के इतने नाम हैं जो मौन में रहती हैं, धीर थिर हैं, शांत हैं, गंभीर हैं। जो ललिता हैं, त्रिपुर सुंदरी हैं, पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, महेश्वरी हैं, वही आई रस वर्षण करने के लिए, जिनका ब्रज में विवाह करा दिया गया था। कीरति रानी के यहां जो प्रगटी थी वृषभान दुलारी, जहां रस बरसता है उसका नाम है बरसाना। बरसाना तो राधा के बाद से है, बरसाना जहां बरसता है रस, ऐसे बरसाने में ब्रह्मा ने प्रोहित्य कर्म किया, शिव ने साक्षी दी और नारायण का कृष्ण का उनके संग विवाह हुआ, ऐसा पद्म पुराण में आता है। राधिका का विवाह ब्रह्मा ने कराया है संकेत वन में, और महादेव ने साक्षी दी है। जब भगवान शिव की बारात में विष्णु गए तो ये रेसिप्रोकल है, भगवान ने कहा तू मेरी बारात में आ। तो महादेव किनकी बारात में आए? माधव की बारात में, राधा माधव के विवाह में। संकेत वन में राधा माधव का विवाह हुआ, इसलिए वो छाई हुई हैं। कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई एक आ एक दो कोई मंदिर मिलते होंगे कृष्ण और रुक्मणी के, अन्यथा तो पूरी धरती पर मंदिर छाए हुए हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बस उन्होंने संकेत किया कि कृष्ण तो यही हैं, वो तो आत्मसत्ता है, वो ब्रज क्यों त्यागेंगे, हमको क्यों त्याग के जाएंगे, वो हमसे क्यों अलग होंगे, वो तो आत्मसत्ता है, सनातन सत्ता है। ब्रज में से जा रहे हैं कृष्ण, कहीं नहीं जा रहे कृष्ण, कृष्ण हमारे चिंतन चरित्र में, स्वभाव में, हमारी स्मृति में, हमारी आत्मा में, हमारे अंग संग है कृष्ण, हटो मारक दो, जाने दो इनको। अक्रूर की प्रदोत की फटकार लगी और भागे घोड़े और मथुरा की ओर कृष्ण। प्रसादा शिखरा रूढ़ा प्रीति फुल मुखाम बुझा, वहां के बड़े लोग सेठानियां सेठ अमात्य पत्नियां मंत्री परिषद की उच्चस्थ पत्नियां सेविकाएं और सेवक दास दासी अनुचर सब कृष्ण के दर्शन के लालसा में आनंदित हैं। कुबजा से नेह लड़ाकर उसका अंगराग लेकर और उसे स्वस्थ सुंदर कर भगवान पहुंचे। चाणूरे मुष्टके कूटे शले तो शलके हते, हे सुखदेव, सुखदेव मुनि कहते हैं राजन चाणूरे मुष्टके कूटे शले तो शलके हते शेषा प्रदुम प्रमल्ला सर्वे प्राण परिस्व, सबके प्राण ऐसे ही निकल गए। कंस के मस्तक पर मुष्टक प्रहार करके खींचते हुए भगवान ने जब पदक प्रहार किया उस दुष्ट दैत्य के भी प्राण पखेरु उड़ गए। अंबर अपने को रोक नहीं सका और सुमन वृष्टि होने लगी, आकाश से फूल झरने लगे। यमुना की ओर दौड़े किंचित यमुना का स्पर्श कर, चूंकि उन्हें वचन दिया था यमुना को कि कंस का वध कर तेरे पास आऊंगा, ये प्रतिज्ञा है, कंस का वध करते तुझे स्पर्श करूंगा, यमुना को स्पर्श कर। यमुना पकड़कर बैठ गई, बैठो बैठो थोड़ा आराम कर लो। बोले नहीं नहीं, माता पिता के बंधन खोलने हैं। दौड़े कारागृह के फटक और उनके ताले तोड़ डाले भगवान ने, प्रहरी भयभीत हैं और संपूर्ण अब कंस के अनुचर कृष्णानुचर बन गए, उनकी जय जयकार कर रहे हैं।
कोई आरती कर रहा है, कोई वंदन स्तुति पुष्प वृष्टि, कोई पकवान व्यंजन मिष्ठान लिए खड़ा है, तो कोई पुष्पहार लिए खड़ा है, कृष्ण की जय जयकार। लेकिन भगवान ने कारागृह के ताले तोड़ डाले और दौड़े अपने माता पिता को अंक में भरने के लिए, उनके चरण छूने के लिए कि भले ही वो कुछ भी हैं और मैं भले ही परमात्मा हूँ, वंदनिया है माँ, मुझे माँ के चरण छूने हैं, पिता के अंक में भरना है, उनके चरण छूने हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं, देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरौ कृत संबंधनौ पुत्रौ सश्वजातौ न संकेतौ। पुत्र है या परमात्मा है, पुत्र है या ईश्वर है, ऐसा जानकर एक बड़ी शंका मन में पैदा हो गई। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। ये तो जगद्गुरु है, परमात्मा है, अब करें क्या इसका, है तो बेटा, अब बेटा है तो कहां से कैसे छुएं, ये तो परमात्मा है, इसे छू कैसे सकते, प्रणाम कर लें क्या, प्रदक्षिणा कर लें क्या। ये तो सच है कि हमारा पुत्र है, पर ये पुत्र कहां है, ये तो परमात्मा है, जगदीश है, तो क्या करें इनके साथ, कौन सा व्यवहार करें। देवकी ने विचार किया, मैं प्रदक्षिणा कर लेती हूँ, साष्टांग प्रणाम कर लेती हूँ, इनके चरणों में शीश रख देती हूँ। वसुदेव कह रहे हैं, मैं इनका स्तवन कर लेता हूँ, बार बार पग प्रदक्षिणा कर मैं चरणों में ही गिर पड़ता हूँ। भगवान ने अपनी माया को आदेशित किया कि इनको ठग और इनके भीतर पुत्र का भाव पैदा कर, ये मुझे परमात्मा मानते रहे तो ये स्नेह से वंचित रहेंगे, इन्हें वात्सल्य सुख से वंचित मत कर, इनकी बुद्धि में मेरे प्रति पुत्र का भाव पैदा कर। योग माया ने ऐसा ही किया और वो उनकी मेधा प्रज्ञा रितंभरा में प्रवेश कर गईं। देवकी वसुदेव अब सामान्य प्राणी जैसे दिखने लगे और अंक में भर भर कर चुम्बनों की बौछार करने लगे, कभी हाथ चुमते हैं, कभी माथा, कभी अंक में भरते हैं, बेटा 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 कहकर, अरे हमारा बेटा, हमारा आठवां बेटा, ये कृष्ण, ये माधव, ये मुकुंद, ये बनवारी, ये गिरधारी, ये मधुसूदना। क्योंकि कारागृह में रोज उनके लीलाओं के समाचार मिलते थे, अब वो बेटा दिखने लगा, भगवान को भी सुख मिला। भगवान ने अपने ऐश्वर्य को, अपनी आत्मसत्ता को, भगवत्ता को बिसार दिया, अब भगवान भी उनके सामने पुत्र जैसा ही आचरण कर रहे हैं। अब उन्हें वो भगवान नहीं दिखता, अपना बेटा दिखता है। कन्याएं प्राय युवतियां ऐसे ही तो पति की कामना करती हैं, जो अजेय पुरुष हो, पूर्ण पुरुष हो, सत्पुरुष हो, महापुरुष हो, जिसके पास संयमशील सदाचार हो, जो मर्यादित रहे, आत्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्मशील हो, जो कभी किसी के साथ छल न करे, किसी के साथ कपट न करे, अनीति का धन न लेकर आए घर में, कुलशील संपन्ना कन्याएं युवतियां ऐसे ही तो पति का ध्यान करती हैं, वो प्राय पूजन करती हैं देवियों का कि हे देवी हमें ऐसा ही पति देना। कैसा पति देना, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश चंद मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाथा, मन चाहे राचो मिल ही सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो, अहि भांति गौर आशीष सुन सिए हिए हर्षित अलि, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल सिय हिए हर्ष न जात कहि,
मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर करो लगे। पराम्बा जगदम्बा भवानी जया शिवानी गौरांगी पार्वती का पूजन करते हुए यही तो कहती हैं वो। और अब क्या हो गया, जाने गौरे अनुकूल, जाने गौरे अनुकूल के देवी अनुकूल हो गई है। विनय प्रेमस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। जैसे प्रणाम करने लगी सीता तो भवानी के गले में जो हार था वो गिर पड़ा और सीता के गले में आ गया वो हार। जान गौर अनुकूल सियही हर्ष न जात कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। वामांग स्फुरित होने लगे, उनमें अलग चेतना का संचार होने लगा, आंखें फड़कने लगी और मां प्रसन्न हो गई। सीता को लगा अपना काम बन गया। सुन सी असत्य आशीष हमारी पूज ही मन। पत्थर में से पार्वती निकलकर बाहर, और यह सच है कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो पत्थर में से परमात्मा बाहर आएगा। तो धन्ना सेठ में से निकला वो, ऐसा शालिग्राम में से निकला, नामदेव के लिए निकलकर आई पार्वती पत्थर में से और कहने लगी सुन सी सत्य आशीष हमारी, जिस निमित्त तेने मेरा पूजन किया है कामना पूरी होगी। मन चाहे राचो मिले सो बड़ो सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जा तुझे राम मिलेंगे, तू उनके वामांग में बैठेगी, सब लोग तेरी जय जयकार करेंगे और क्या कहेंगे, सियावर राम चंद्र की। ना ना जयकारा तेरा नहीं है, जयकारा तो राम का ही है, रामचंद्र की जय। पर कौन है रामचंद्र, सियावर रामचंद्र की जय। सिया के जो वर हैं सीतापति रामचंद्र, लोग कोई राम राम बिल्कुल नहीं कहेगा, सीताराम 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 बोलेंगे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहेंगे, गौरी शंकर कहेंगे, आपके तप से आप पहले जानी जाएंगे। धीराम पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नरसिंह नरलोक मनोभिरामम तनमय भवान खलु व्रत पतिरंग। अब व्रत सिद्ध हो गए ऐसा जानकर पाती भिजवाई, भगवान बलराम के साथ आए, ले गए लग्न मंडपम में से। और जब वो मंदिर में पूजा कर रही थी प्रभु जी लक्ष्मी जी को, प्रभु जी बैठे हैं रथ में और रुक्मणी ने कहा अरे 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 हमको बिठाओ ना रथ में। भगवान ने कहा सब देख रहे हैं, आप पहले हाथ उठाओ। तो सबको लगे कि आप ही बैठना चाहती हैं, तो रुक्मणी ने ऐसे हाथ कर दिया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। तो बोली अब हमको बिठाइए, भगवान ने कहा ना ना खुद बैठो। तो लोगों को लगे आप ही रथ में बैठी हैं। रुक्मणी जी बैठ गई और जैसे रुक्मणी जी रथ में बैठी भगवान पीछे जाकर बैठ गए और भगवान ने कहा कि ये रथ की बलगाएं रथ की बलगाम अब अपने हाथ में लो, घोड़ों को आप चलाओ। तो आपके नगर के लोग कहेंगे कि आप ही जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कौन सा लोकाचार है, कि नहीं इसमें लोकाचार की बात नहीं है, आपने मुझे वरुण किया तो आप ही लेकर चलिए। भगवान पीछे बैठ गए और लक्ष्मी जी ने रुक्मणी ने घोड़ों की बलगाएं थामी और फटकार लगाई घोड़ों को कि भागो। स्वामिनी का स्पर्श पाकर मालकिन की छुअन से घोड़े वायु वेग से दौड़े। रुक्मी छोटे भाई ने आनाकानी की थी, उसको भी रथ में डाल लिया था। युद्ध हुआ, बलराम ने युद्ध जीता और वो पहुंचे द्वारिका। प्राय ये जय जयकार करना भी कभी अच्छा लगता है। द्वारिकाधीश की इत्येषे गुह्य संदेशा यदुदेव मया हतः।
गंधर्व विवाह हुआ, फिर वेद विवाह हुआ, वैदिक विवाह हुआ, जामवंती से, सत्यभामा से, कालिंदी से, मित्रविंदा, नागनजिति से, सत्या और लक्ष्मणा से। इस प्रकार से ये आठ पटरानियां, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्या, लक्ष्मणा, मित्रविंदा, नागनजिति, षोडश सहस्र सुकुमारियां नरकासुर की कैद में, और उन्होंने भी प्रभु को ही वर्णन कर लिया। यह द्वारिका की अनुपम उद्दात्त महनीय कथा, जहां से कृष्ण निकल पड़े चहु दिशाओं में पांडवों का उद्धार करने के।